हाँ तो गाइस, हम 3 मंथ्स हो गए ग्रैनी चैप्टर को कभी भूल गए। हम स्नाइपर ऑफलाइन गेम और प्रिजन इसके वो थीफ पजल गेम में इतना खो गए भाई साहब। भाई 3 मंथ्स हो गए ग्रैनी चैप्टर टू को हम खेल ही नहीं। ग्रैनी चैप्टर टू अब तक तो बहुत रो रहा होगा ना। हाँ तो गाइस, हम आज ग्रैनी चैप्टर टू दोबारा से खेलने जा रहे हैं। अरे गाइस, आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर टू का, ये अब तक तो यार बहुत बुरा मान रहा होगी ग्रैनी ग्रैंड का कि रितेश अब तक हमारे घर को आया क्यों नहीं और यहाँ से भाग के क्यों नहीं गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो करता है उसी घर में जाऊँगी और सीधा थक के लाऊंगी, ऐसे शायद ग्रैनी सोच रही होगी। और ग्रैंडपा, अरे नहीं नहीं उससे मत बुलाओ, मुझे शॉटगन से बहुत बार मारा, शॉटगन से तो पूछो ही मत। और यहाँ से तो 3 बार वो भाग भी चुका है हेलीकॉप्टर से, बोट से, डोर से। नहीं नहीं वो तू तो लल्लू है, लल्लू जो उससे तूने मारा नहीं, एक बार भी तूने रितेश को नहीं मारा। हाँ पता नहीं ग्रैनी ऐसे क्यों बोल रही है, मुझे तो बड़ा रोना आ रहा है भाई। ठीक। हाँ तो ग्रैंड, मैं आज तेरे घर में आऊँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन इस सीजन में एक चीज़ तो भूल ही गया भाई, हम बोलने लग गए लेकिन हमने तो इंट्रो दिया नहीं है। इंट्रो दे देते हैं फिर ये सब बातचीत होगी। 3, 2, 1। हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैंड चैप्टर 2। और आज हम खेलेंगे इस ग्रैंड चैप्टर का बॉस, मतलब यहाँ ग्रैंड भी हो गया और ग्रैंडपा भी होगा, ग्रैंडी होगी ग्रैंडपा भी होगा। हेलो गाइस, आप मैं इस प्ले की बटन को मारने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के पास में ही एक घंटी है उसे दबा दो तो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सारी नोटिफिकेशन आप मिल जाएगी। और जो भी इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट अभी नहीं मत करो, वीडियो देखने के बाद करो। ओके तो गाइस, मैं इस प्ले की बटन को क्लिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने किया क्लिक। हाँ तो गाइस देखिए, सब कुछ ऐसा है और ऑप्शन में देखते हैं, एक्स्ट्रा लुक्स, डार्क म्यूजिक, म्यूजिक तो पता है म्यूजिक बढ़िया, बड़ा एक खतरनाक म्यूजिक निग्रहण है, नाइट नाइट में भाई आसपास को कुछ ग्रह ब्लडी ब्लडी हो गया ना। अच्छा पता चल गया, इसका मतलब है ये है कि भाई साहब कि जब हम इस नाइट मेट को ऐसे करेंगे तो सब कुछ ब्लडी हो जाएगा, यहाँ तक ग्रैनी ग्रैंडपा भी, अब तक तो बड़े भयानक दिखेंगे वो लोग। पर एक्स्ट्रा लुक्स में क्या है, मतलब एक्स्ट्रा लुक्स मतलब थोड़ा डार्क दिखाई देगा क्या, मुझे तो लाइट चाहिए भाई लाइट। हाँ तो हम ये दोनों लाइट मैप और एक्स्ट्रा लुक्स हम अगली वीडियो में करेंगे, हम अगली वीडियो में नाइट मैप करेंगे। ओके गाइस, ऐसे इस वीडियो में तो हम ग्रैनी ग्रैंडपा का खेलेंगे, बहुत खेलेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर, उसके बाद बोट, उसके बाद नाइट मैप का खेलेंगे। अच्छा तो गाइस, मैं इसी के साथ ये लगाने जा रहा हूँ और मैं इजी करूँ या नॉर्मल भाई पता नहीं। इजी करने से तो नो चेकिंग फ्लोर्स दिखा रहे हैं डिफ़िकल्टी में, तो हम इजी ही रखते हैं, मुझे अपने आप को मराना नहीं है तो इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ये। तो गाइस, मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया और ये लिखावट टिप पढ़ लेते हैं, ये भी क्या याद रखेगा, वी क्वाइट ग्रेनियर्स एवरीथिंग वेरी वेल रिस्पॉन्ड। हाँ ये लिखा है कि ग्रैनी सब कुछ सुन सकती है, क्वाइट रहना, ग्रैंडपा नहीं सुन सकता इसलिए क्वाइट बिल्कुल मत रहना, लेकिन हम तो बहुत खेल रहे हैं ना, क्वाइट तो रहना ही पड़ेगा है ना। डे वन आ चुका है। तो गाइस हमारा जो प्लेयर है आराम से उठ खड़ा हो गया है, देखते हैं क्या करता है हमारा प्लेयर, अच्छा खेलता है कि नहीं। इसे खोलते हैं, सीधा यहाँ चलते हैं, इसके यहाँ
इसे हमने साउंड कर दिया, आप ग्रैंड ग्रैंड पर यहाँ भाग के आएंगे, क्योंकि नीचे तो कुछ साउंड हुआ है तो आएंगे ही ना। ऐसे अब तक तो आए नहीं है ग्रैंड ग्रैंड पर, पहले ग्रैंड पर आ रहा है। ऐसे पहले ग्रैंड पर आना चाहिए था क्योंकि वो सब कुछ सुन सकता है, सुन सकती है। ग्रैनी आ जा, ग्रैंड पा, ग्रैनी बहुत देरी लगा रही है। ग्रैनी ग्रैनी वो बाहर आ जाएगा, तो फिर से जा रहा है यार। ओए मुझे ऊपर जाना है, मुझे लगता है साउंड करना होगा यार मुझे। यही तो प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी जल्दी जाना होगा क्योंकि ग्रैंड पा अभी भी गया है तो ज़्यादा दूर भी नहीं गया होगा वो। साउंड मैंने कर दिया है, अब ग्रैंड ग्रैंड पर दोनों फंसाएंगे। बस ग्रैनी क्यों नहीं आ रही थी यार? हाँ इस पर ग्रैनी आई है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऊपर चले जाता हूँ। अच्छा पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दो बार साउंड करना पड़ा ग्रैनी के लिए। पी यार पहले मैं अपने कटिंग प्लेट्स में गया, लक अच्छा लगता है आज, लेकिन इतना भी नहीं, कास्टन गन हो जाती तो अच्छा होता। ये क्या यहाँ से, ये मैंने यहाँ फेंका कटिंग प्लेट्स, यहाँ देखा वेपन की, अब जाना होगा क्योंकि शोर हुआ है तो ग्रैनी तो आएगी, जाहिर सी बात है ना। ओए जल्दी जाना होगा, ग्रैन लगता है ग्रैनी यहाँ आई थी। ये मैंने खोला और ये मैं ये वाला दरवाजा खोल देता हूँ और सीधा नीचे चलता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ग्रैनी, मैं हाइड एंड सीक खेल ही नहीं रहा हूँ, मुझे हाइड एंड सीक खेलना आता ही नहीं है, मैं खेलूँगा कहाँ ग्रैनी, मुझे हाइड एंड सीक नहीं आता। मेरा लक यार बहुत अच्छा है, मुझे पहले में ही वेपन की मिल गई, लेकिन फिर मुझे क्योंकि कभी कभी ऑटोमेटिकली ही ये खुल जाता है अपना शॉटगन, मतलब एमो यहाँ पे चल जाती है। तो साउंड करते हैं ताकि ग्रैनी आ जाए और मेरे हाथ का गोली खाए तो बड़ा मज़ा आ जाए ना। क्यों ग्रैनी तुम मार खाना चाह नहीं जाती है क्या? आ बैट लेके बैठिए, ये ले, ये हमारा 2 मिनट्स और 30 सेकंड्स के लिए। ग्रैनी मुबारक अपनी गोली को, कुछ समझी? अब मुझे मारना होगा ग्रैंडपा को, बहुत है तो यही तो प्रॉब्लम है, मारना होता है। ये मैंने क्या साउंड, देखते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ से आते हैं, मतलब ग्रैंडपा ना ओनली ग्रैंडपा कहाँ से आएगा यार। ये साउंड मैंने कर दिया, ग्रैंडपा आ जा, हो रहा हो रहा आ रहा, ये ले। ओए शॉटगन की एमओ वेस्ट हो गई यार, ऊपर 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 चलते ऊपर चलते, मैंने ऊपर का दरवाजा खोल दिया था। हाँ भाई यही एमओ है यार। ओए मैं वापस यहाँ क्यों आ गया? ओए ग्रैंडपा तो यही है, ओए मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं आया? ये बड़ा पागल सा बंदा है यार। ये ग्रैंड भी अब तक तो उठ चुकी होगी ना, मुझे यार उससे, मुझे यार उससे तो चाहिए था शॉट है भाई, उसने वो खुला रखा है। तू ऊपर चले जाए क्या? उसने खुला रखा है सिक्योरिटी रूम में, तो हम ऊपर चले जाते हैं। चलो यहाँ का खोलते हैं, सेफ की पड़ी हुई है, ऊपर चलते हैं देखते हैं। शॉटगन भी ले आनी चाहिए थी, मैं इससे नीचे जा सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। बोट की स्टेयरिंग मिल पड़ी है, ये हमको बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। यहाँ क्या मैं देखता हूँ, डब टेप पड़ी है, वो भी खोलना है। तो मुझे यहाँ से ये फ़ायदा हुआ कि ये ही मिली है यार, लेकिन ग्रैंडपा भी ज़िंदा है और ग्रैनी भी अब तक तो ज़िंदा हो गई होगी। गाइस यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? ग्रैनी वहीं पड़ी है मेरी शॉटगन,
यहाँ ग्रैनी आ गई है क्या? वही पड़ी है मेरी शॉटगन। जल्दी 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 उठा लेते हैं। मैंने शॉटगन उठा लिया। हर कोई बात नहीं है, जब शॉटगन है हमारे साथ तो ग्रैनी ग्रैंडपा तीनों है मार। हम एक ही दिन में हमें कटिंग पैड्स मिल चुका है और कुछ नहीं मिला है, लेकिन कटिंग पैड्स से हम डोर एस्केप करने वाले आज। और ये इतना सा नहीं हुए, अगर बोर्ड के लिए ज़्यादा सामान नहीं मिले तो हम चलो डोर एस्केप ही कर देंगे। डोर एस्केप ही कर देंगे। वैसे बोर्ड के लिए क्या कहीं है, बोर्ड की शेयरिंग और बोर्ड की ओनली है। वैसे यार ग्रैनी आई क्यों नहीं है? शॉटगन मेरे पास ही है। हेलो ग्रैनी, ग्रैनी का तब तक जिंदा हो गया होगा। ग्रैनी हाय ग्रैनी, मैं यहाँ हूँ। ओए ओए कहाँ भाग रही है? एक सेकंड साउंड करते हैं ऊपर। ऊपर साउंड करने से तुम्हें यहाँ आती है ना? यार नहीं आती यार, ऊपर साउंड करने से हमेशा नहीं आती वो यार। जिंदा हो गई तो रुको भरी ना। मैं ग्रैनी को दो बार मार चुका हूँ। ग्रैंडपा तो मैंने एक बार नहीं मारा है। बुढ़े ग्रैंडपा, बुढ़े अपने शॉटगन रिलोड कर देता हूँ। चलो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, मतलब ग्रैंडपा यहीं कहीं है। ग्रैंडपा नीचे जाऊँ क्या यार? क्या नीचे जाते हुए वो धप्पा कर देगा? नहीं जाता मैं नीचे। ओए हंस रहा है वो, लेकिन यार हंस क्यों रहा है? वन सेकंड, यहाँ है ये यहाँ। वैसे ग्रैंडपा बहुत स्लो चलता है। वैसे हमारे पास दो एमओ है, यहीं बैठ के कुछ इंतज़ार करते हैं। ओके सर जी, गाना चलाने से आएगा यार या नहीं आएगा? गाना चलाने से आएगा कि नहीं तू यार? तो आना जल्दी। ये क्या कुछ बजा? पी करके कुछ लग बजा यार। ग्रैंडपा सिक्योरिटी रूम में है क्या? हाँ ग्रैंडपा तू सिक्योरिटी रूम में था ना? आहा कंड, तूने ओनली आहा क्यों बोला? आहा बोलना चाहिए था ना तुझे, ओनली आहा इसने बोला। और ग्रैनी भी अब तक तो जिंदा हो गई, लेकिन उससे पहले मैं इसका सिक्योरिटी की ले लेता हूँ, ताकि गायब हो जाते तो सिक्योरिटी की भी मुझे नहीं देता, फिर से मारना पड़ता है उसे। ग्रैनी जल्दी आ, तुझे भी मारना है। ग्रैनी हाय ग्रैनी, ग्रैंडपा देखा गायब हो गया वो। ग्रैनी ग्रैनी आ क्यों नहीं यार? बहुत साउंड कर दिया मैंने, ग्रैनी अब तक नहीं आ रही है। तो बोट के लिए मेरे पास गैसोलीन भी है। बोट की बोट की स्टीयरिंग व्हील, बेडलॉक की और स्पार्क प्लग अगर मिल जाएगा ना तो बोट स्किप हो जाएगा यार। जो हम बोट स्किप कर देंगे ज़्यादा सामान मिला तो। डो चलो यहीं वेट करते हैं कुछ समय। हाँ तो गाइस ग्रैनी अब तक आ गई है। ग्रैनी गाइस अब तक आ गई है, अब तक ग्रैनी आ चुकी है। बोलो भाई ग्रैनी अभी आ रही है, इतने दिनों बाद, कम से कम 2 आवर्स बाद आई होगी वो। इतना वेट कराया उसने यार हमें, मतलब मुझे। चलो दो की दो एमओ शायद अब तक तो वेस्ट हो गई होगी। हाँ ऊपर चलते, चलो ऊपर का गोला भी खोलना है हमें। ऊपर तो मैंने दो दो एमओ ले ली थी ना,
एक सेकंड देखना होगा। हाँ यार सॉरी मैं यहाँ से ले ली थी मैंने, कुछ नीचे जाना होगा मुझे। ओए नीचे चले जा। हाँ नीचे एक कैमो थी, इसे ले लेते हैं। वैसे ग्रैंडपा अब तक तो जिंदा हो गया होगा क्योंकि ग्रैनी अभी भी मैंने उसे मारा तो वो तो जिंदा नहीं होगा, वो ही होगी। अपन तो हाथ खुलने कराने हो गए जिसे क्या मैंने ड्रॉप या फिर नीचे। मैं ऐसे घूम रहा हूँ जैसे कि यहाँ कोई है ही नहीं। कटिंग फ्लैट्स ये रही बोर्ड के लिए, कहने का मतलब डोर के लिए सिर्फ करेंट ही मैंने उसको निकाला भाई, और तो कुछ निकाला नहीं है उसे। ठेको मेरे शॉर्ट गन में मेरे एक ही एमो रिलोड है, अच्छे से मारना होगा। एक सेकंड, 3 2 1 गो। यस गाइस मैंने उसे क्लिक कर दिया था। वैसे मेरा निशाना कभी चुकता नहीं है, ओनली ग्रैंडपा का भी आपने देखा होगा एक निशाना तो मैं चुका नहीं है भाई। यहाँ से बहुत निकलेगा और यहाँ से मैं बैड लक ही मिलेगा। वाह वैसे मैं सोच रहा हूँ यार हमें डोर के लिए भी एक चीज़ मिल गई और बोर्ड के लिए भी एक चीज़ मिल गई, अच्छी बात है भाई। मैं इसको भी फेंक दूंगा नीचे, पहले इसे फेंका मैंने। तो गाइस मैं डिसाइड कर दिया है कि मैं खेलूँगा जी बोट खेलेंगे क्या, बोट इसके में बड़ा मज़ा आता है। वैसे एक बात आपने कुछ नोटिस की, मैं एक बार तक नहीं मारा हूँ। यस गाइस मैं एक बार तक नहीं मारा हूँ लेकिन मेरे शॉटगन में अभी 1% का भी एमो नहीं है और 2 एमो मुझे बेडरूम से मिलेगा। ग्रैनी ग्रैंडपा का जो बेडरूम होता है, लेकिन ग्रैनी बेडरूम में अक्सर होती है, ग्रैनी इस बार नहीं है बेडरूम में। तो मैं 2 एमो ले लेता हूँ। ये लिया। अब ग्रैनी ग्रैंडपा की बैंड बजेगी। ग्रैनी ये रही, ये मैं ग्रैनी को, और ग्रैंडपा भी यहीं कहीं होगा, इसके नहीं उसके ही अंदर है। नहीं पियानो बजाने से तो आएगा ग्रैंडपा। ओए ग्रैंडपा आ जा। क्यों यार तू ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो क्यों ऐसा करता है। सेफ की मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। ये रही सेफ की, वे आ जा मेरे हाथ में। इसमें तो कुछ नहीं होता ही नहीं, इस रूम में कुछ नहीं होता, कुछ होता है तो पूरी पीस ऑफ पिक्चर होता है। वो एक यहाँ ग्रैनी ग्रैंड पाए थे, वे डोर का हैंडल मिलाए, वो यहाँ पर भी। मैं सपना देख रहा हूँ गाइस, हमें सारे सामान मिल चुके हैं, स्पार्क प्लग मिल चुके हैं, बेडलॉक की मिल चुके हैं, बोट की शेयरिंग मिल, बोट की और एक बोट और कुछ नहीं यार, और कुछ नहीं, सारी सामान तो हमें मिल ही चुका है। ग्रैंडपा को और ग्रैनी को एक बार ठोक दे क्या, क्योंकि वो लगता है वो अब तक तो जिंदा हो गए होंगे शायद, या जिंदा नहीं हुए होंगे गाइस, लगता है जिंदा हो गए होंगे क्योंकि अब तक तो 2 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं 2 मिनट्स, अब तक तो गुस्सा हो गए होंगे। यहाँ गिरा देने से ऐसा होता है कि सीधा नीचे जाता है, और मुझे लगता है अभी मारना होगा ग्रैनी ग्रैंडपा को, 2 मिनट्स हो चुके हैं और 2 एमओ इसके अंदर थे तो मैं ले लेते हैं। ये लिया 2 एमओ, अब मुझे करना होगा साउंड ताकि ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाए। चलो यहीं बैठ के साउंड करते हैं ताकि ग्रैनी आ जाए। ग्रैंडपा क्लिक कांच का साउंड लगाना होगा, ग्रैंडपा कांच उसका फेवरेट बाज है, उसकी साउंड से वो हमेशा आ ही जाता है। ये क्या बहुत देरी कर रहे हैं ग्रैनी ग्रैंडपा भाई, कुछ ज़्यादा देरी नहीं कर रहे हैं ये लोग। ग्रैनी साउंड करूँ क्या फिर से, चलो कर ही देते।
टोटली 3-4 बार मैं शॉटगन फेंक के साउंड हुआ है। इस बार आवाज करें क्या? ग्रेनी भाई आवाज कर दिया मैंने, आजा। वैसे आवाज सुन के आती क्यों नहीं है? ये 2 मिनट्स अब तक हुए नहीं। नहीं फुट टिक 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 ग्रैंड पक वही ग्रैंडी तक का आ रही है। आजा ग्रैंड, तेरी मौत है। ये ले ग्रैंड पा, तू दिया ग्रैंड पा। अपनी पत्नी की मौत देख के ओए ओए, मैंने उसे मारा था, टोटली मैंने उसे मारा था। ये मेरे साथ गिलीच हुआ। हाँ एक सेकंड, नीचे 2 MO है। ग्रैंड पा आ जा। जब भी मैं किसी एमओ होता है यहाँ उस जगह में जाता हूँ ना, तब ये गायब हो जाता है। एक सेकंड आ ग्रैंड पा, मुझे तुझ पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि ये रहा, तेरी पीठ पे मारूंगा, सीधा टॉयलेट के अंदर जाएगा। ये देखा, बोला था ना सीधा पीठ में मारूंगा। अब ग्रैनी जिंदा हो गई होगी शायद, क्योंकि वो गायब हो गई है। ओहो ये पागल, ग्रैंड पा पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है गाइस, आजकल वो बहुत हो रहा है। जैसे बैड लक ही मिल गई है, स्पार्क लक भी मिल गया है, जैसे सब कुछ सामान तो मुझे मिल ही गया है। बोल देते हैं ये भी, ग्रैंड पा हाय, उसके अंदर ही रहना, बाहर आएगा तो एक लात मारूंगा। कहाँ गिरा वो? बाहर जाके गिरा यार, मुझे ज़्यादा तेज फेंकनी नहीं चाहिए थी, मुझे वेंच की ज़रूरत पड़ेगी। लक खराब है यार मेरा गाइस, टोटली लक खराब है। मैं ऐसे क्यों घूम रहा हूँ कि ग्रैनी अब तक जिंदा नहीं हुई होगी? ग्रैनी जिंदा हो गई है, मैंने उसकी फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है मुझे ग्रैनी की। जल्दी से पकड़नी होगी, यहाँ मैंने चेक नहीं किया क्या हेलीकॉप्टर मैनुअल का। मैं दही बनाऊंगा गाइस, हाँ दही बनाऊंगा, लेकिन मुझे दही बनाना आता नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? कैसे भी नहीं, सारा सामान यहाँ डल चुका है, सिर्फ यार वेंच की ज़रूरत पड़ेगी फिर से। और वेंच शायद ऊपर था, लेकिन उससे पहले मुझे शॉटगन को लेनी होगी। और शायद इस पूरी घर की सारी एमओ वेस्ट हो गई है। ये मेरे पास 1 MO बची हुई है, तो ग्रैनी ग्रैंडपा से मैं सिर्फ 1 को मार सकता हूँ। ग्रैंडपा वैसे अब तक तो जिंदा हो गया होगा, दोनों अब तक जिंदा हो गए होंगे। या मैं स्केप हो जाता यार, बोट की स्टेयरिंग व्हील वहाँ गिर गई यार। वैसे डोर के लिए डोर स्केप तो हम अभी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में डोर स्केप करेंगे, फिर हेलीकॉप्टर। हाँ ग्रैनी आई फिर से चली गई यार। हाँ ग्रैनी अब आ रही है। हाँ ये ले, सीधा पेट में मारा या छाती में मारा होगा। मैं कभी भी उन्हें हेडशॉट नहीं देता, मैं जब भी कुछ हेडशॉट देता हूँ ना, तो भाई प्रॉब्लम यह होती है कि भी भाई साहब वो रुक ही जाते हैं, मतलब निशान चुकते हैं जब मैं हेडशॉट देता हूँ। ऐसे ग्रैंडपा अब तक जिंदा है। ग्रैनी हाय ग्रैनी, ग्रैंडपा तब तक जिंदा हुआ ही होगा, जो ग्रैंडपा से संभल के रहना। स्टनगन भी अब तक मुझे मिली नहीं है। एक सेकंड, मैं ऊपर क्यों आया? ऐसा तो लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। एक सेकंड, वहाँ तो ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं यार, मैं भूल गया था इस बार में 3 ग्रेनेड लॉन्चर होते हैं। एक ले लिया मैंने, मैं जब भी थ्रो करूँगा ना फट जाएगा ये, बड़ी बड़ी गंदी तरह से फटेगा ये ग्रेनेड लॉन्चर, ऐसा ही होता है ये। एक सेकंड मैं वही थ्रो कर देता हूँ, अभी फटेगा, बड़ी गंदी तरह फटेगा। हाँ ये हो ना बात, गंदी तरह फटा ना। आज मैं पहली बार ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रैंडपा को मारा हूँ, अब ग्रैनी को भी मारना ही होगा, क्योंकि मैं उसके फेवरेट बेबी को जो मारने वाला हूँ आज शॉर्ट, वो भी ग्रेनेड लॉन्चर से। ग्रेनेड लॉन्चर क्यों बोल रहा हूँ, वो बॉम है भाई, बॉम है। ग्रेनेड लॉन्चर नहीं जो लॉन्च करता हूँ मैं,
यहाँ श्रृंगन है क्या? यार कहीं पर भी श्रृंगन नहीं है, तो श्रृंगन है कहाँ? एक एक जगह पे श्रृंगन जरूर होगा, और वो है क्रोबार। क्रोबार के नीचे पे जो कबर्ड जैसा कोई बॉक्स होता है उसके अंदर होता है क्या भाई साहब जी? क्या श्रृंगन, और कोई जगह नहीं है। या फिर वो होगी ऊपर, सबसे ऊपर पूरा हेलीकॉप्टर वाले रास्ते में। मैं दूसरा लेकर आता हूँ, चलो जी दूसरा बॉम्ब लेकर आते हैं। ग्रेनेड लॉन्चर उसका नाम नहीं है, ग्रेनेड लॉन्चर तो एक मिसाइल है भाई। ग्रेनेड लॉन्चर इसे ग्रेनेड बोलेंगे या एक सेकंड इस, हाँ इसे ग्रेनेड बोलो यार। इसे हाइट ग्रेनेड ना हॉट ग्रेनेड इसका नाम है, मैं अच्छे से पढ़ा नहीं है। मैं जब इसे उठाता हूँ तो लिखता है कि हाइट ग्रेनेड या कुछ, लेकिन इसका नाम आप इसे शॉर्ट में ग्रेनेड बोल सकते हो गाइस। वैसे ग्रैनी तो यहाँ है नहीं, यहीं ऊपर आ जा अच्छा होगा थोड़ा सा। ग्रैनी एक सेकंड, मैंने गैस में तो कोई फेंका ही नहीं है यार, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। तभी मैं सोचूं कि गैसोलीन तो मैंने फेंका ही नहीं गया, तभी मैं सोचूं कि बोट के लिए लगता है कोई और एक सामान भी था। यही मैं कुछ भूल रहा था। ग्रैनी आ जा, इससे मारूंगा मैं अब, या वो उसे मारने के लिए चल जाए क्या? छोटे बेबी के लिए, छोटे बेबी को मारने के लिए चले जाते हैं। ओए बोरी एक सेकंड, मैं वहीं पर थ्रो कर देता हूँ, चलो वहाँ फटेगा वो। 3 2 1 गो। वाह वो ग्रैनी क्या उड़ी भाई साहब जी, टोटल ग्रैनी बहुत मस्त तरीके से उड़ी। अब मुझे उसे मारने के लिए फिर से ग्रेनेड की ज़रूरत पड़ी। वो ग्रेनेड फ्लीज हो या 3 ग्रेनेड होते हैं, 2 ग्रेनेड से रश के। ओ देखिए हैंड ग्रेनेड, समझे मैं हाइड हॉर्न क्या बोलते हैं, हैंड ग्रेनेड है ये। अब लगता है ग्रैंडपा जिंदा हो गया होगा शायद, लेकिन मैं और इसको उठाना नहीं चाहता। एक बार लाइफ गई तो गई, मैं और रिस्क नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मेरे पास और सिर्फ ये एक ही है गाइस। ये हो गई ना खराब। ओए ओए रुक 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 रुक, पहली बार तो यहाँ आया है ना, ये ले। ओए फटेगा फटेगा, ओए वहाँ जाके गिरा यार, वहाँ फटेगा ना, ये गई भैंस पानी में। एक ग्रेनेड लॉन्चर था वो भी वेस्ट हो गया, बॉट की शेडिंग विल मैंने यहीं से ही उठा ली। ओए ओए ग्रैंडपा ये रहा। ग्रेनेड की आवाज़ सुन के लगता है ग्रैंडपा आ गया, बेंच पड़ा है यहाँ। तो गाइस समझ लीजिए हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है एस्केप, और थोड़ा सा ही बाकी है और फिर हमारी ये एस्केप ख़त्म। हमने टोटल एक ही दिन में सारे के सारे बोट के सामान ढूंढ लिया, इससे लास्ट में ग्रैंडपा ओनली ग्रैंडपा वाला बोट इसके बाद आपने वीडियो देखा होगा लास्ट में। हाँ लास्ट में डे वन में हमने सारा काम कर दिया था, लेकिन लास्ट में ग्रैंडपा ने मुझे मार दिया। बेडलॉक की ले जा रहा था यार, ग्रैंडपा ने मुझे मार दिया। लगता है इस बार भी वैसा होने वाला है। दो चीज़ रह गई, ये बोट की स्टेरिंग व्हील मैं जाकर नीचे लगा देता हूँ। ये है कौन कर रहा है? वो ये ऊपर जा रहा है शायद, या ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। बाय, नीचे क्यों जा रहा है तू? आजा। हाँ 3 2 1 हाँ। ओए मैं अटक गया, मैं कुछ सेकंड्स में तो एकदम डर गया था। ग्रैंडपा यार जी ना बस आ यार, ग्रैंडपा यहीं पर आ, हाय आ जाना। ओहो अब मैं, हाँ ग्रैंडपा ऐसे ही आते रहना। अच्छा ऐसे ही आ, तू मुझे मार। ओहो अब इस बिट्टू को तो मैं मार के रहूँगा, और परेशान कर रहे हैं ग्रैंडपा। हाँ ये हुई ना बात, आ जा अभी। हाँ हाय ग्रैंडपा, अभी जल्दी नहीं हो ऊपर जा। ओए बिट्टुआ जल्दी से यहाँ आकर दिखा तब मैं मानता हूँ। अच्छा हाय वो है मार डालूंगा। हाँ जी आप झुक तो सकते हैं ना, कोई आप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तुमको देख कर लेना मुझसे।
काश मैं ऐसे ही इसे देखते रहूँगा ना तो कभी नहीं जाएगा ये। जल्दी जा, ये ऐसे हवा में है क्या? शूज पहना है इसने, ब्लैक कलर के कपड़े। जाएगा, मैं तुझे मारूंगा। वाह वाह क्या बात है, अभी जा रहा है। घंटी बजी, एक सेकंड गया ना। जैसे ग्रैनी ग्रैंड पर तब तक दोनों के दोनों जिंदा हो गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। वो एक ग्रैनी की तो ग्रैंड पर आ रही है, एक ग्रैंड पर जा रहा है तो ग्रैनी आ रही है। भाई इसके अंदर मैं भूल भुलैया खेल रहा हूँ क्या? यार प्रॉब्लम हो रही है यार इनकी। वाह इसकी हंसी देखकर मुझे खांसी आई। गई क्या ये? बोरी 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 इसके बाद ट्रैप लगा के गई है यार ये। अब मुझे इस ट्रैप से बचना होगा वरना ये ग्रैनी मेरा सिर खा रही है। ट्रैप से तो बच गया, वाओ ट्रैप से बच गया मैं। जल्दी नीचे जा, मतलब ऊपर ही जा, नीचे जा मत जम, क्योंकि मैं नीचे जाना चाहता हूँ। गई भैंस पानी में। एक काम करता हूँ, इसे जो है ना मैं ऐसे करता हूँ ताकि साउंड हो, और ये मेरे पास आए, और मैं काम करूँगा कि ये यहाँ है और लगता है ग्रैंडपा तो अब तक नीचे ही होगा। तो मैं अच्छे से ऊपर चली जाता हूँ मस्त तरीके से, और मैं यहाँ चली जाता हूँ और गैसोलीन ले लेता हूँ। गाइस इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से जाके इस वीडियो में लाइक करो। और वो क्या बजने लग गया, इसका मतलब ग्रैंडपा उसके अंदर सिक्योरिटी में है क्या? पता है नहीं गाइस, लेकिन मैं सामने करता हूँ। वो बजने बज रहा है, वो पूरे रूम में पूरे घर में सिक्योरिटी लगा के रखा है। ग्रैनी ऐसे ही आते रहे। मैं तब तक वो यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन ये जाली मैंने तोड़ी नहीं थी यार। साउंड होगा इसके लिए, एक साउंड फ्री। भाई साउंड नहीं हुआ, साउंड हो गया यार। नहीं हाय हाय ग्रैनी हाय। आहा ग्रैनी के हाथ पांव तो देखो रे, वो ग्रैंड पर जा रहा है। वाह ग्रैनी कहाँ चली है? अच्छा तो भाई एक बंदा जो है ना वो नीचे गया, दूसरा ऊपर है। तो मैं इसके अंदर रह के क्या करूँ? मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा यार, पूरा कपड़ा नीचे जाना होगा बोट के रूम में। ये कहाँ चलिए? हेलो वहाँ कुछ खाने वाली चीज़ है क्या? तो वहाँ जाके क्या कर रही है? हेलो ग्रैनी हाय। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ साउंड ताकि यहाँ आए। भाई क्या बोल बोलिए यार, मैं साउंड क्यों किया पहले बोल। गैस इस गैसोलीन को अगर मैं नीचे ले लिया ना तो सब कुछ हो जाएगा यार। एकदम ग्रैंड पर नीचे है। नहीं हाइड एंड सीक नहीं ना, नहीं 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 ग्रैनी मैं बिल्कुल हाइड एंड सीक नहीं खेल रहा हूँ, मुझे हाइड एंड सीक खेलना आता ही नहीं है। और तो ग्रैनी अब तक नीचे गई होगी शायद, और ही ग्रैनी जाल बिछा के गई है एकदम से। एक काम करता हूँ, यानी मैं भी नीचे ही चलता हूँ। हाँ जैसे ही नीचे आया तो मैं यहाँ के खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ कोई है क्या? अच्छा गाया भगाई से, यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन ग्रैनी है। लेकिन कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं है, कहाँ जा रही है वो यार? ग्रैनी ग्रैंड पर दोनों नीचे जा रहे। ग्रैनी ने मुझे देख लिया, ग्रैनी ने मुझे देख लिया यार, फिर से मुझे उसके नीचे जाना होगा। मुझे बहुत हेट होता है यार। ग्रैनी जल्दी जाए यहाँ से, बहुत खाई मैंने दिमाग खा दिया यार ये। एक सेकंड ग्रैनी, सारे हैंड ग्रेनेड खत्म हो गए, सौगन की एमओ खत्म हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा हो रही है यार।
ग्रैनी जल्दी जा यहाँ से। तुझे ग्रैनी गई तो ग्रैंडपा आया, क्या बात है। पहले ग्रैंडपा गया तो ग्रैनी आई थी, अभी ग्रैनी गई तो ग्रैंडपा आ रहा है। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। चलो यही मैं पकड़म पकड़ाई खेलता हूँ। लेकिन क्या लग, मुझे ये बात कुछ हजम नहीं होती कि ये जो ग्रैनी ग्रैंडपा है वो बोल कैसे रहते हैं। मैंने ऐसे कौन से भूत को नहीं देखा जो बोल रहे हैं। भाई ग्रैंडपा जल्दी है नीचे जाना, मतलब ऊपर ही जा, ऊपर से नीचे मत जा प्लीज, ऊपर मत, ऊपर जा। एक सेकंड ऊपर गया है, वही मेरा लक अच्छा है कि ऊपर गया। अब मैं नीचे जा सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब ग्रैनी नीचे होगी ना तो बाढ़ आ जाएगी प्रॉब्लम की, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोला। इस मान लो ग्रैनी यहाँ है, इनका एक काम करता हूँ, ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, इस बैट के अंदर छुप जाता हूँ। ग्रैनी गई होगी क्या? वाह ग्रैनी हंस रही है, सुन लो यही है। जब मुझे फूड स्टेप्स की आवाज़ नहीं आएगी मैं समझ जाऊँगा कि ग्रैनी यहाँ नहीं है। ग्रैनी यहाँ है क्योंकि उसके जाल बिछाने का आवाज़ आया है मुझे। बड़ा एक खतरनाक म्यूजिक मैंने बंद किया था, म्यूजिक आना लगता है ग्रैनी ग्रैंडपा चले गए हैं। हाँ ग्रैनी ग्रैंडपा चले गए, अब मैं सीधा नीचे चलता हूँ। चलो अब मुझे डरने की इतनी ज़रूरत है नहीं। ओए जल्दी हो जाए यार, भाई सब कुछ आ चुका है लेकिन बोर्ड की स्टेयरिंग व्हील नीचे है तो भाई थोड़ा काम करना पड़ेगा। लगता है आज हम फर्स्ट डे में ही कर लेंगे। और अगर मैं साउंड किया तो ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाएंगे शायद। साउंड हुआ, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है यार। यहाँ क्या एक ग्लास फ्यूज है, सब कुछ हो गया, बोर्ड की स्टेयरिंग व्हील लगा देने से हो जाएगा। ओए ग्रैनी आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्रैनी की जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है। वन सेकंड, ग्रैनी मुझे देख लिया क्या? ग्रैनी ने मुझे देख लिया क्या? गाइस आपने देखा क्या? मैंने देखा नहीं कि ग्रैनी मुझे देख लिया कि नहीं। ग्रैनी तूने मुझे देखा? गाइस तो मुझे नहीं देखा है, जल्दी से चलता हूँ। चलो गाइस बोर्ड स्केप तो कुछ जाता है मुश्किल सा हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट डे में ग्रैनी ग्रैंडपा का इतना सारा कुछ कर लिया हूँ तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। गई भैंस पानी में, ग्रैंडपा तो वहीं है। ग्रैंडपा तो प्लीज नीचे मत आना, कहाँ जा रहा है ये? गई भैंस पानी में, वो नीचे ही जा रहा है यार, उसने शायद देख लिया है। तो काम करता मैं नीचे रहता हूँ, चलो कुछ समय तक मैं नीचे ही रहता हूँ। ओह मैं इसके अंदर आ गया, लेकिन इतना भी अंदर, वहाँ पर भी एक कुछ छुपने वाली चीज़ होती। ये क्या दिया है छुपने वाली चीज? एक सेकंड, ग्रैंड तो गया क्या सा यार? ओह ग्रैंड तो यही है, ग्रैंडपा यहाँ क्या करने आया है? मैं जानता हूँ ग्रैंडपा यहाँ क्या, मैं आज मेरी मौत जो ग्रैंडपा यहाँ क्यों आता है मुझे पता है। ग्रैंडपा इस ऑक्टोपस को देखने के लिए हमेशा थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने ग्रैंडी से परमिशन लेके यहाँ आने आता है देखने के लिए उसे, और मैं यहीं पर हूँ गाइस। इसका मतलब मेरा डे टू होने वाला है जल्दी। ग्रैंडपा तो गया क्या? एक सेकंड देखना होगा। ग्रैंडपा
ग्रैंडपा, ग्रैंडपा नहीं है यहाँ। कोई आवाज़ नहीं करके जाना होगा मुझे। बोट की स्टेयरिंग व्हील लगा देने से कंप्लीट मैं यहाँ से एस्केप हो जाऊँगा। सिर्फ ग्रैंड पा गया है तो ग्रैनी ना होगी। नहीं बिल्कुल नहीं है, अब मैं एस्केप हो जाऊँगा। मैं अभी एस्केप हो जाऊँगा वो भी वन डे में। इसके सामने ढिंक चिक्का ढा ढा ढा। गाइस मैं एस्केप होने वाला हूँ। ये मैंने लगाया, ये मैंने बोट की उठाई और यहाँ आया और से और इंजन स्टार्ट। तो गाइस मैं एस्केप हो चुका हूँ वो भी बोट से, वो भी देखिए नहीं डे वन से। गाइस क्या बात है। तो गाइस मैं फिर से, हाँ तो गाइस मैंने कंप्लीट कर दिया ये बोट एस्केप, वो भी वन डे में, वो भी ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा अपने आंखों में कि मैंने दो ग्रैनी ग्रैंडपा बोट कर दिया वन डे में बोट एस्केप। क्या बात है, क्या लॉजिक है भाई साहब, क्या लॉजिक है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं आगे जाके ग्रैनी 3 खेलें या कोई और गेम खेलें, क्योंकि ग्रैनी चैप्टर 2 का हम 3 स्केप कर देंगे जो कि हमने 1 स्केप कर चुका है। और स्केप करने के बाद से नाइटमेयर मोड ग्रैनी ग्रैंडपा का, और फिर ग्रैनी 3 के खेले के लिए कमेंट सेक्शन में बताएगा गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।